हनुमान जयंती एक ऐसा कार्यक्रम है कि शायद हर गांव में यह एक हनुमान जी का मंदिर रहता है, वहां पे सारे भक्तजन मिलकर यह कार्यक्रम यह उत्सव बहुत जोर शोर से मनाते हैं। हमारे यहां पर जो मधुबन कॉलोनी में ये भीड़भंजन हनुमान जी का मंदिर है, यहां पे करीब पिछले 20 सालों से यह हनुमान जयंती का त्यौहार उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ के कॉलोनी के सारे युवा बच्चे और व्यापारी एसोसिएशन मिलकर हर साल इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें सिर्फ मधुबन कॉलोनी, करार नहीं, रखोली और सिलवासा, मसाड, डपाड़ा, खंडेल से लेकर सारे युवा मित्र जो है वो सारे भावी भक्त यहाँ पर उपस्थित रहकर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जो महाप्रसाद का कार्यक्रम रखते हैं वो महाप्रसाद की भी सारी व्यवस्था सबको बिठा के सबको खिलाने का कार्य सारे युवा लोग मिलकर करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। किस तरह का आयोजन आज हुआ और खास चीज जिस तरह से देखने को मिल रहा है, सभी लोग महाप्रसाद आकर ले रहे हैं, किस तरह से इस मंदिर की महिमा का बखान करना चाहेंगे आप? पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारा ये भीड़भंजन महादेव मंदिर जो उसमें इतना सत्य है कि यहाँ पे बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और हर साल यहाँ पे जो ये महाप्रसाद का आयोजन करते हैं। और इस महाप्रसाद के आयोजन में हमारे सुबह यहाँ पे मंदिर में सुबह भजन का अपना कथा का आयोजन होता है, उसके बाद हम लोग आरती होती है, आरती होने के बाद में हम हमारा महाप्रसाद का जो आयोजन होता है। और इस महाप्रसाद के आयोजन में हमारे साथ में हमारे जैसे कि हमारे ट्रक एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन, सभी हमारे वडील है, हमारे यहाँ के जो जितने भी भाई है और हमारे जितने भी युवा यंग स्टार ग्रुप, उनकी काफ़ी यहाँ पे मतलब हमको मदद मिलती है। और इस जो हमारा ये जो है कार्यक्रम, तो उसमें हम लोग एक स्वच्छता अभियान का भी हम लोग थे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमने एक ट्रॉली भी रखी है कि जहाँ पे महाप्रसाद खाने के बाद में जो भी डिश है कि वो हम लोग अच्छी तरह से वहाँ पे डाल सके और यहाँ पे कुछ कचरा ना हो, और इस तरह के हम लोग ये कार्यक्रम रखते हैं। और इसी के साथ हम लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो है प्रोग्राम हर साल मतलब करते रहे और भव्य तरीके से बढ़ते जाना चाहिए।